हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी लेक्चर 10 ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। आई होप सो कि अगर आप लेक्चर 10 पर इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं तो आप लेक्चर 9 तक सारे लेक्चर ले चुके होंगे और उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो आज हम चलते हैं लेक्चर 10 की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हु आर एक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में एक्टर्स कौन होते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि एक्टर्स इन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, यानी कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फर्दर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है उसमें एक्टर्स कौन होते हैं और उनका क्या किरदार होता है, और इसको हमने बड़ा डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम छोटे छोटे से डिफरेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। वो ये है, पहला कि स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिक्वायरमेंट्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कॉस्ट क्या होती है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसके प्रोसेस को इम्प्रूव क्या किया जा कैसे किया जा सकता है, और उसकी प्लानिंग किस किस तरीके से की जा सकती है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर, इसमें आपके स्टेक होल्डर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एंड यूज़र, मैनेजर्स ऑफ सिस्टम एंड यूज़र, एक्सटर्नल रेगुलेटर, डोमेन एक्सपर्ट, ये आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सिस्टम एंड यूज़र, ये वो बंदे होते हैं। पहला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो बंदा है जिसने सॉफ्टवेयर बनाना है, एंड यूज़र वो है जिसने उस बने हुए सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना है। तो डेफिनेटली जिसने इस्तेमाल करना है वो बताएगा कि क्या बनाना है, तो दूसरी तरफ वो सुनेगा जिसने बनाना है, तो वो इन दोनों के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद ही सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। तो ये वो दो लोग हैं जो सबसे पहले स्टार्ट में ही सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद आपके आ जाता है मैनेजर ऑफ सिस्टम एंड यूज़र, मींस ये कि जो आप जो कंपनी आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रही है उसमें बैठ के यूज़ जो करेगा सॉफ्टवेयर वो तो एंड यूज़र हो गया, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो एंड यूज़र कंपनी के हेड हों, उन एंड यूज़र से ऊपर भी हायर अथॉरिटीज़ तो कोई ना कोई होंगी ना, तो वो मैनेजर्स ऑफ सिस्टम एंड यूज़र हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके एक्सटर्नल रेगुलेटर, हमने लास्ट लेक्चर्स में किसी एक लेक्चर में अगर आपको याद हो तो पढ़ा था कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी आ रही होती हैं। जिस कंट्री में आपने सॉफ्टवेयर बैठ के यूज़ करना है, जिस ऑफिस में आपने जिस सिटी में आपने ऑफिस सॉफ्टवेयर बैठ के यूज़ करना है, हो सकता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उन लोगों के भी हों जो कि आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हो, ठीक है, और उनको फॉलो करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, एक रूल बन चुका हो। तो वो जो रिक्वायरमेंट्स आपकी बाहर से आ रही होती हैं, वो जो एक्सटर्नल जो आपके लोग होते हैं जो आपको आके वो रूल्स फॉलो करा रहे होते हैं, वो भी आपके एक तरीके से स्टेक होल्डर्स होते हैं। उसके बाद डोमेन एक्सपर्ट, आपका जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो किसी एक स्पेसिफिक डोमेन में काम करता है, किसी एक स्पेसिफिक एरिया से बिलोंग करता है, तो उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में नॉलेज रखने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको हम डोमेन एक्सपर्ट्स कहते हैं। वो भी स्टेक होल्डर होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के, क्योंकि वो आके आपको बताते हैं कि इस डोमेन के सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना लाजमी है, ठीक है, और वो ये सब चीज़ें बताते हैं जिससे आपके सॉफ्टवेयर को ग्रूम करने में, उसको एक अच्छा स्टेबल सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प भी मिलती है। इसके बाद वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके रिक्वायरमेंट्स के अंदर असरअंदाज हो रहे होते हैं। सबसे पहली बात ये कि पर्सनल गोल्स ऑफ इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसमें डिफरेंट किस्म के लोग हैं और वो लोग उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, उसमें से कोई एक आदमी क्या करता है कि उस सॉफ्टवेयर में अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए डलवाना शुरू कर देता है, ठीक है, और वो क्या होता है कि उससे डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, अलबत्ता ऑर्गेनाइजेशन का बिल ज़्यादा होता जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनने का टाइम ज़्यादा होता जा रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, लेकिन ये कि उसके पर्सनल गोल्स हैं। तो इससे डेफिनेटली आप एक्चुअली वो चीज़ नहीं बना रहे होते जो आपकी रियल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, बल्कि उसके अंदर कुछ लोगों के ज़ाती मुफाद, पर्सनल फ़ायदे ऐड अप हो रहे होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि आपके ऑफिस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो कि आप इंस्टॉल करो और आपके लोकल कंप्यूटर्स पे या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल नेटवर्क पे वो काम करें, और आपकी यही जस्ट रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपके ऑफिस में से कोई एक बंदा उठ के कहता है कि सॉफ्टवेयर नहीं, वेब एप्लीकेशन चाहिए, वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब उससे कोई पूछता है कि क्यों, वो कहता है कि नहीं जी, बस ये एडवांस कंसेप्ट है इसलिए होना चाहिए, बावजूद इसके कि आपके ऑफिस की ज़रूरत वेब एप्लीकेशन नहीं है। जब आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि इसके पीछे रीज़न क्या है, तो पता चलता है कि जी इस ये बंदे की इंटेंशंस ये हैं कि चलो अगर वेब एप्लीकेशन होगी तो हम ऑफिस से छुट्टी करके जल्दी घर चले जाएंगे, और घर बैठ के तो किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर उस एप्लीकेशन को वायर डोमेन एक्सपर्ट एक्सेस करेंगे, और डोमेन के थ्रू एक्सेस करके तो वहाँ पर हम बैठ के घर बैठ के सारा काम कर लिया करेंगे। तो अब ये क्या है, ये उसका पर्सनल गोल है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो
अब इसको जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं है और उसका पर्सनल गोल बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर एक्चुअली वो नहीं बनेगा जो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी होती है जो कि रिक्वायरमेंट के ऊपर असरअंदाज हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि जहाँ पे भी कोई ऑफिस होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कंपनी होती है, तो उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उस कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, वही तो बेसिकली आपके स्टेक होल्डर्स बन रहे होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के। तो उनके दरमियान पॉलिटिक्स होती है, कोई किसी को किसी से जेलसी होती है, किसी को किसी से कोई मसला होता है, कोई किसी की प्रमोशन रोकना चाह रहा होता है, कोई किसी की प्रमोशन से जेलस होता है, एंड सो ऑन। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं रहती। जब वो लोग आपस में बैठते हैं और मिलके रिक्वायरमेंट्स फाइनल कर रहे होते हैं एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए, तो वो जेलसी, वो पर्सनल इश्यूज आपके रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि एक रिक्वायरमेंट दे रहा है तो दूसरा उसके साथ जेलसी के अंदर शायद उसको रिजेक्ट कर दे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, बावजूद इसके कि वो एक अच्छी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब इस तरीके की वो पॉलिटिक्स आपकी फ्लो कर जाती है आपकी रिक्वायरमेंट्स तक, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स कभी भी प्योर नहीं रहती, बिल्कुल साफ सुथरी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। और फिर जब उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे या आपका एक सॉफ्टवेयर बन के सामने आता है, तो वो भी कुछ साफ सुथरा सॉफ्टवेयर नहीं होता। अच्छा, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कॉस्ट की बात करें, तो आप जो सॉफ्टवेयर बनवाने जा रहे हो उसकी 15% कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें से जो 15% कॉस्ट होगी वो उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की कॉस्ट होगी। मीन्स ये कि अगर आपका सॉफ्टवेयर 100 रुपये में बनाए, तो उसमें से 15 रुपये जो है वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करने में लगे होंगे। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? तो द पॉइंट इज, जो समझने वाली बात है कि आप इस कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। इस बात को आप माइंड में बिठा लें। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि जी हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के स्टेप को स्किप ही कर देते हैं ताकि इसकी कॉस्ट रहे ही ना 50%, तो जब आप इसको स्किप करके ये 15% बचाने की कोशिश करेंगे, तो एट द एंड किसी स्टेज पे आपका 30% एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि ये 15% तो आप नहीं बचा सकते। अगर आप इसको बचाने निकलेंगे तो आप कहीं और ज़्यादा नुकसान कर बैठेंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें कि इस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस को प्रॉपरली एग्जीक्यूट लाजमी करें, ताकि विद इन 15% आपकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कॉस्ट रहे। अगर आप प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और स्किप करेंगे इस प्रोसेस को, तो आप अपना ज़्यादा खर्चा कर बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं प्रोसेस की? सबसे पहली बड़ी बात ये होती है कि लैक ऑफ स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। मीन्स ये कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे आपकी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस में। मीन्स वो रिक्वायरमेंट सही तरीके से दे ही नहीं रहे। फॉर एग्जांपल, अब ये कौन से स्टेक होल्डर हो सकते हैं? जरूरी नहीं कि वो एंड यूज़र ही होंगे जिनकी इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होगी तो इशू होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी स्टेक होल्डर है, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट अच्छे से नहीं होगी तब भी आपके रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस को प्रॉब्लम आएंगी। डोमेन एक्सपर्ट की नहीं होगी तब भी प्रॉब्लम आएंगी। तो कोई भी स्टेक होल्डर जब अपनी इन्वॉल्वमेंट को कंप्रोमाइज़ करने लगता है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता इस आरई के प्रोसेस के अंदर, तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपका सॉफ्टवेयर किसी न किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा होता है, तो आप उन नीड्स को कंसिडर अगर अपनी नहीं करते तब भी प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद आती है लैक ऑफ रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। अच्छा, ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की टीम की तरफ से होती है। फॉर एग्जांपल, एंड यूज़र ने आपको 10 रिक्वायरमेंट्स दे दी, आपने उन 10 रिक्वायरमेंट को नोट डाउन कर लिया, बाद में एंड यूज़र ने आखिरी 2 रिक्वायरमेंट्स यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 9 और 10 को चेंजिंग करवाई, आपने क्या किया, पहले वाली रिक्वायरमेंट पे ऊपर से हल्का सा कट लगा के या उन्हीं को मॉडिफाई करके तो उन चेंजिंग्स को आगे उसके आगे लिख दिया। मींस ये कि ये बता दिया कि रिक्वायरमेंट ये नहीं है, ये वाली है। लिखी आपने ये रिक्वायरमेंट, लेकिन उन रिक्वायरमेंट को रीड आउट करके कन्वर्ट जो करना है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो कोई दूसरा बंदा करेगा, ठीक है। तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो लिख लिया, उनको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया, तो अगला बंदा हो सकता है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसका कुछ और ही मतलब निकाल के सॉफ्टवेयर में कुछ और ही फीचर प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना लाजमी है। वो कैसे होगा? वो ऐसे कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, आपके पास प्रॉपर्ली एक ट्रैक होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट नंबर 9 ये थी, उसके अंदर फलाने स्टेक होल्डर ने चेंजिंग सजेस्ट की, उस चेंजिंग सजेस्ट करने के बाद अब वो ये बन चुकी है और फाइनल रिक्वायरमेंट नंबर 9 ये है जो आपने इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रैक होगा, तो अगले बंदे को भी समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद लैक ऑफ डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीन्स ये आपको मैंने बताया था कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं,
ठीक है, जब आप, और वो आपने देखा भी था कि रोल देखे थे ना, अगर आपको याद आ रहा हो तो, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने एक डायग्राम देखी थी जिसमें एक्टर्स दिखाए गए थे और उनके रोल दिखाए गए थे। तो जब आप उनको सही तरीके से डिफाइन नहीं करते कि किस बंदे ने क्या काम करना है, तो फिर एक खिचड़ी सी बन जाती है और कोई भी अपना सही से काम नहीं करता। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल, सॉफ्टवेयर बनाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाइनीज समझता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो एंड यूजर है वो अंग्रेज है, तो दोनों एक दूसरे से सही से बात नहीं कर सकेंगे। तो ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग भी सही से नहीं हो सकेगी, वो प्रोसेस के ऊपर ये भी इफेक्ट आएगा। आवर लॉन्ग स्केड्यूल्स एंड पुअर क्वालिटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये भी एक इशू होता है कि आपने स्केड्यूल्स को ज़रूरत से ज़्यादा ही लंबा कर दिया, और उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट का तैयार कर रहे हो उसकी भी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको वेल डिफाइंड वे में नहीं रखा गया, तो ये भी एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस का प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब हम इसमें इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट क्या होती हैं? इम्प्रूवमेंट इज कंसर्न विद मॉडिफाइंग प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू मीट सम इम्प्रूवमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इम्प्रूवमेंट का मतलब यही होता है कि आप क्या करते हो कि आप प्रोसेस को मॉडिफाई करते हो इस तरीके से कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच सको जो कि आप इम्प्रूवमेंट करके हासिल करना चाहते हो, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? वो ये कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मीन कि ओवरऑल प्रोसेस की क्वालिटी ऊपर चली जाए। रिसोर्स रिडक्शन, रिसोर्स रिडक्शन मीन ये कि कम से कम रिसोर्सेज आपके इस्तेमाल हों एक अच्छा काम करने के अंदर। स्केड्यूल रिडक्शन के आपके लंबे लंबे स्केड्यूल ना चलें, टाइम से और जल्दी काम हो जाए। जैसे आपकी लास्ट प्रॉब्लम ये लिखी गई थी, अवर लॉन्ग स्केड्यूल्स एंड पुअर क्वालिटी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, तो ये आपका स्केड्यूल रिडक्शन की इंप्रूवमेंट जब आप कर देते हो, तो स्केड्यूल रिडक्शन का ऑब्जेक्टिव आप हासिल कर लेते हो, तो ये आखिरी इशू जो है आपका खत्म हो जाता है। अच्छा, प्लानिंग आप कैसे करते हो प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए? कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाब में आपकी प्लानिंग छुपी होती हैं। वट आर दी प्रॉब्लम्स विद दी करंट प्रोसेस? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि इस प्रोसेस को जिसको आप इम्प्रूव करने की बात कर रहे हो उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उनको लिस्ट डाउन कर लो। फिर उसके बाद आप ये देखो कि वट आर दी इम्प्रूवमेंट गोल्स, मीन्स जब आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो उसके गोल्स क्या हैं, आप इम्प्रूवमेंट करके हासिल क्या करना चाहते हो, आप उसको लिस्ट डाउन कर लो। जब आप पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे, मींस ये कि व्हाट आर दी, पहले क्वेश्चन का आंसर निकालोगे कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स विद दी करंट प्रोसेस, तो वो जो प्रॉब्लम्स आप नोट डाउन करोगे तो आपका गोल वहीं से निकल आएगा कि मेरा गोल ये है कि इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन प्रोसेस इंप्रूवमेंट बी इंट्रोड्यूस टू अचीव दीज गोल्स, उसके बाद आपने ये देखना होता है कि आपने जो प्रोसेस इंप्रूवमेंट किए हैं कि तो आप उन इंप्रूवमेंट्स को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो प्रैक्टिकल मार्केट में, जहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है इनकी, और इस तरीके से किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि आप वो गोल्स भी अचीव कर लो जो आपने सेट किए थे कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के बाद हमारे ये गोल हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इन शॉर्ट तीसरे सवाल का मतलब ये है कि जो आपने पहले प्रॉब्लम्स ढूंढे पहले क्वेश्चन में, आपने दूसरे क्वेश्चन में ये गोल बनाया कि इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है। अब आपने थ्योरेटिकली तो इसका आंसर निकाल लिया कि ये ऐसे ऐसे ख़त्म होंगी, अब उसको आपने प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है कि वाकई वो इम्पैक्ट जो आपने सोचा था कि ये आएगा तो किस तरीके से आएगा, तो उसने फिर आपने वो आपने प्लान करना है कि हम अब इस प्रोसेस को जो हमने इम्प्रूव करके बनाया है इसको हम किस तरीके से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें ताकि जो पहले प्रॉब्लम्स आया करते थे वो अब ना आए, और जो हमने गोल्स अचीव करने की कोशिश की थी वो गोल्स अचीव होते हुए प्रैक्टिकली नज़र भी आए। तो ये आपकी एक प्लानिंग होती है प्रॉपर, जब आप इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढते हो तो आप जो है प्रोसेस के अंदर इंप्रूवमेंट करने के अंदर भी एक प्लान भी पूरा बन जाता है, और फिर उसको जब एग्जीक्यूट करते हो तो आप इंप्रूवमेंट करने में कामयाब भी हो जाते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं मेरे ट्विटर अकाउंट पे जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमने आपको बताइए कि इस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए एक सेपरेट ग्रुप भी बना दिया है फेसबुक पे, जिसके अंदर आपको हर लेक्चर के PDF नोट्स भी मिल जाते हैं, वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो काइंडली आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और हेल्दी डिस्कशंस करें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपके चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने से हमें एक सपोर्ट मिलती है आपकी तरफ से। तो थैंक यू सो मच, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।